महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक माने जाने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले उन्होंने आरए कॉलोनी में मेट्रो शेड बनाने के कार्य को भी रुकवा दिया था। बता दें कि बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई के बीच चलाई जाएगी। ठाकरे ने रविवार को कहा कि मैंने बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा के आदेश जारी किए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए जिन किसानों और आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित किया जाना है उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार आम आदमी की है, जैसा कि आपने अभी पूछा। हाँ, हमने बुलेट ट्रेन की समीक्षा करेंगे। क्या मैंने आरए का शेड की तरह बुलेट परियोजना को रोका है? नहीं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साल 2017 में अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। इन प्रोजेक्ट के साल 2023 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना के ट्रैक की लंबाई 508 किलोमीटर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि इसकी कुल अनुमानित लागत 1.08 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें 81% लागत का वित्त पोषण जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जीका के जरिए होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।